अरे भाई बिजली ना आवे, अब घर चल तू। अरे यार मैं सोच रहा हूँ एक क्या रह गया था इसे भर देता, बाद में पिताजी दुखी होंगे। अरे दोनों गैली चलेंगे, चल तू चला जा भाई, तुझे कॉलेज में जाना है, ठीक है ना। एक काम करिए टिप्पण भी लेता जाइए, ठीक है ना, मैं आ रहा हूँ। चल ठीक कह रहे भाई, फिर मैं लेट हो रहा हूँ कॉलेज के। ठीक है भाई। अरे ताई जल्दी कर, तेने भी घर के आगे देख लिया, मुझे कोई यहाँ देख लेगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे ईसा भी के है, मैं सुनार की दुकान पर काम करता हूँ ताई, ये माल मैं चुरा के लाया हूँ। अब तक तो सेठ जी ने मेरे पीछे पुलिस भी लगा दी होगी, मुझे पैसे दे और मैं झटपट यहाँ से निकलूं। भाई मैं अपनी तसल्ली तो कर लूं। अरे ताई तेरे जैसी समझदार औरत भी इतना टाइम लगा है के? अच्छा और खराब सोना दे रहा हूँ, वो तो थोड़ी सी मुझे पैसों की जरूरत है, नहीं तो इतना अच्छा सोना मिल सके के? तो बता भैया फिर क्या दे दूं? अरे ताई देना क्या है, तुझे खरा सोना मिल जाएगा, हमारा काम चल जाएगा, अपने हिसाब से सोच समझ के दे दे। अरे फिर भी बता तो सही क्या देऊं? देख ले ताई सोने का भाव 30,000 रुपए से ऊपर ऊपर है, तू एक काम कर मुझे 30 के भाव ही दे दे। ना भाई इतना तो कहीं भी ना हो रहा। और के देवेगी, जो देना जल्दी दे। मैं तो इस सारे के तने बस 30,000 रुपए दे इसको। अरे ताई तेने तो खामे खा की टाइम खराब कर दिखे, तुझे पता है कितने का सोना है? यो कितना का हो, मैं तो इतना ही दूंगी, आगे तेरी मर्जी। अरे ताई तू एक काम कर 50,000 रुपए दे दे, पर जल्दी कर। ना भाई मैं 30 की जगह 35 कर सकूं, इससे ज्यादा ना कर सकूं। अरे ताई तू भी मुझे लगा ठगने को बैठी दिखे, चल 40। 35 ठीक है, पर एक काम करिए, सोना बिल्कुल बढ़िया है और किसी को पता ना लग जाए, ठीक है? ठीक। बेटे मजे आ गए, 500 का माल 35 में थोप दिया। बेटे ये ले पकड़ भाई अपने पैसे। भाई वाह पैसे मिल गए, मैं चला भाई। अरे क्या हो रहा है यो? कुछ ना, आज फिर किसी गहने गिरवी रख ली दिखे हैं। मैं क्यों उनके घर कहने जाऊँ कि गहने गिरवी रखो, जिसको गरज है वो हमें रखने। अरे गरज में कभी कभी मदद भी कर लिया करें, या हर टाइम गहने जमीन गिरवी रखने की आदत पड़ी हुई तुझे? ज्यादा वासन ना दो, अपने बालकों के लिए सब करे है। अरे मेरे बालकों को चाहिए हराम का माल, तेरे ज्यादा आग लग रही, तू लेके जाएगी छाती पे। मैं क्या ये छाती पे रख के ले जाऊंगी, तुम जाओ अपना हिला कर लो। अरे मैं तो हिला कर लूंगा, कभी तू भी कुछ कर लिया कर। नन्नी जी आई। इधर आ। हाँ जी। चाय बना ला, और सुन उससे पहले निवाय पानी लिए पीने के लिए। खाना भी ले आऊं? अरे एडवांस मत बोल ले, मटर कहाँ है? वो अरे वो आ लिए। अरे मटर तू कहाँ है आज? खाली ना घूम रहे, कट्टे लाए हैं। अरे कट्टे बंदूक छोड़, महावारी तोरी के खाद के कट्टे लाया हूँ, तो ईख में डाल देंगे चौक हो जाएगी, नहीं तो ईख मर जाएगी। चल ठीक है। अरे अरे लुट गई मैं तो, बर्बाद हो गई। अरे नकली गहना दे गया। अरे इसमें भी दो कट्टे लगा दे, ये भी ठीक हो लेगी। हैं? माँ जी क्या बात हो गई? मैं बर्बाद हो गई। अरे भगवान क्या हो गया, कुछ बतावेगी भी ऐसी फटती रहेगी? अरे क्या हो गया माँ? अरे मेरा 35 ठगी ले गया मुझे। कौन पैदा हो गया इस गांव में तेर से बड़ा ठग? अरे मेरा 35, अरे मेरा 35। अरे के है 35 यो? अरे इनके सर कुछ आगा दिख के जुत्ती सुखानी पड़ेगी। अरे मटरू रहने दे, जुत्ती पुत्ती रहने दे, बड़ी है सबसे बड़ी। अरे इसे जुत्ती मत सुंगा दिया, कुछ सोना पड़ा हो, कुछ पैसे पड़े हो उसे सुंगा दे, सब ठीक हो जाएगी। अरे मेरा 35। अरे लालच की दुनिया है, ऐसी मरेगी लालची। अरे मेरा 35 के चक्कर में साथ जावेगी, छोड़ दे 35 का चक्कर। अरे बेटे दुनिया छोड़ सका, लालच नहीं छोड़ेगी। अरे मेरा 35, अरे मेरा 35। हाँ भाई धर्मवीर। हाँ जी। पूरा और सुना ठीक भी है? कुछ ठीक ठाक ना भाई साहब। की बात होगी? अरे छोटी लड़की ने खून पी रखे, उसके बुखार चढ़ रहा, 2 महीने हो गए, क्या करूं? अच्छा तो किसी अच्छे डॉक्टर के दिखाओ उसे। जी अच्छे डॉक्टर के ले जाऊंगा, वो महंगे टेस्ट लिख देगा। टेस्ट तो लिखा है, कम से कम इलाज तो पक्का हो जाएगा। पर्ची के पैसे आ जाएंगे तो मैं एक बार दिखा दूंगा। पर्ची के पैसे कद के कद आऊंगे, कदी चक्कर में अपने छोरे ते हाथ दो बैठे। तू एक काम कर, ले पकड़ पैसे। ना भाई
पैसा आ जाएंगे, मैं जब ही दिखा दूंगा। कोई बात ना, तो अपनी छोरी को दिखा, ठीक है ना? और कम पड़े तो घर जाकर और लिए, ठीक है भाई? ये ले साइन कर। अरे माँ, तेने तो कोई गरीब हलाल कर दिया दिखे। मैंने तो किसी ने हलाल ना किया। अरे हलाल नहीं से झटका कह रहे हैं, यो ना बकसते किसी को भी। किसी के गहने हड़प कर जा, किसी की जमीन गड़प कर जा, अरे यहाँ तक घर भी हड़प कर जाती है यो। तुम अपनी जबान बंद रखो, तुम्हें कुछ ना पता दुनियादारी का। अरे माँ, सब पता दीन दुनिया का। कर खा लेने दिन गरीबों को भी, क्यों उनके पेट पर लात मार रही है? भगवान सब देखे। इसे इस बात का बहरा नहीं है, किस दिन भगवान इसके पेट पर लात मार दी ना, पता नहीं क्या होगा। हाँ, उस दिन तुम लड्डू बाटियो, जाओ अपना काम करो। अरे माँ, तू मान जा, एक दिन इस लालच की वजह से बहुत दुख उठावेगी। थारे जैसे संत कटोरे हाथ में उठाए घूमे हैं। अरे हम भी उठा लेंगे कटोरा, पर किसी का हक न मारे। राम राम चाचा। राम राम सुजीत, आजा बैठ। चाचा और सुना, सब ठीक ठाक है? हाँ भाई सब ठीक है, तुझे देख कर और भी ठीक हो गए। आज सवारी कहाँ चल दी? कुछ ना चाचा, भाई का ब्याह सा आ लिया, लो संभालो इसे। अरे तो घनी अच्छी बात है। राम राम चाची। राम राम भाई, ये मोटरसाइकिल दोपहर में कहाँ ठाऊ फिर है तू? कुछ ना चाची, तारे बालक का ब्याह सा आ लिया, कार्ड से बांटता फिरूं। हाँ यो काम भी जरूरी है, पर रिश्ता कहाँ पे हुआ? रिश्ता तो थारे भाग से नजदीक से हो गया, काकड़ा के रहने वाले हैं। काकड़ा किसके? काकड़ा बीरपाल मास्टर जी की छोरी से। अरे उसे तो मैं भी जानू, बहुत सीधा मानस है, मगर गरीब है थोड़ा सा। गरीब सा मास्टर? अरे वो क्या देगा दहेज में? 3 लाख रुपए लगाने को कह रहा। 3 लाख? 3 लाख में तो आजकल फर्नीचर भी ना हो। अरे कुछ दियो मत दियो, आदमी घना बढ़िया। बढ़िया आदमी का क्या चार गेरोगे, जब कुछ लेन देन को है ही ना, क्यों छोरे डबे रहे हो तुम? नू ना चाची, छोरी पढ़ी लिखी बहुत है। पढ़ी लिखी है के बालक पढ़वाओगे तुम उससे? अरे माँ, सब कुछ पैसा ही ना होता, इज्जत शोहरत पढ़ाई लिखाई भी तो कुछ हो। तू बालक है, तुझे दुनियादारी का ना पता। पढ़े लिखे लोग हमारे जैसे पैसे वालों की यहाँ नौकरी करते हैं। तू अपना काम कर। अरे मैं तुझसे फेर कहूँ, मुफ्त के माल का लालच छोड़ दे, वरना किस दिन बहुत पछतावेगी। अच्छा चाचा, मैं चलूँ तुम बतलाओ? चल ठीक है भाई, रास्ते में मोटरसाइकिल आराम चलाइयो, सामने वाले सब अंधे हो, खुद ही संभाल के चलानी पड़े। ना चाचा ऐसी बात ना, बहुत बढ़िया मोटरसाइकिल चलावे भाई। चलो ठीक है। अच्छा राम राम चाचा। तुम बाप बेटे कान खोल के सुन लो, कल सुधीर को देखने आ रहे हैं, दोनों मिलके बाप बेटे अपने टांग मत अड़ाइयो। चौधरी साहब, सुमन हमारी इकली औलाद है, 500 बीघा जमीन, घर मकान, बैंक बैलेंस, गाड़ी घोड़ा सब उसी का है। हम भी चाहें कि सुमन किसी अच्छे घर में चली जा, और आपके बारे में तो पूछने की जरूरत ही नहीं, आपका लड़का तो हीरा है हीरा, सारी बरादरी जाने हैं। वो बात तो सही है चौधरी साहब, लेकिन हम तो आपके सामने बहुत छोटे आदमी हैं, हमारा रहन सहन तो तुम जानते ही हो। ये कैसी बात कर दी चौधरी जगबीर सिंह आपने, छोटे तो हम हैं आपके सामने, आप एक बार शादी के हाथों करो फिर देखो। चलो चौधरी साहब, ये बताइए लड़की कितनी पढ़ी लिखी है? भाई चौधरी साहब, यूं ही एक कमी रहेगी, 8वीं पास करी थी, उसके बाद अपने मामा के चली गई, पढ़ाई छूट गई, जब वहाँ आ गई तो फिर हमने सोचा अकनोकर चाकर तो है ही काम धाम के लइया, तो कोई जरूरत नहीं है। कोई बात ना है, 8वीं ही बतेरी है, भाण बेटी को तो बस पढ़ना लिखना आना चाहिए। एक हमें देखो, हम 5वीं फेल है, फिर भी हमारे घर का हिसाब किताब हम खुद करते हैं। ये बात तो ठीक है रघुवीर जी, हमारे सुदीन ने तो एमए पास कर रखा, लड़की 8वीं पास, कुछ बात जमी नहीं। सही कह रहे हैं पिताजी। तू चुप रह, ब्याह शादी का मामला है, तुरंत आया करे, चलो तब मेरे साथ, तू भी आ। ठीक है चौधरी साहब, बात करके आते हैं। खड़े हो। तुम दो
दोनों कान खोल की सुन लो। एक लोती बेटी है और 500 बीघा जमीन है, ठीक है, और इतना धन दौलत है, गाड़ी है, घोड़ा है, समझे? आठवीं पास बता रहा छोरी को, क्या बता आठवीं फेल हो? अपना सुधीर एमए पास है, क्या कहेंगे लोग? लोग धरे हैं मेरे ठेंगे पे, इतना माल लाएगी सबका मुंह बंद हो जाएगा, लोगों का काम है कहना, तुम बस बैक यहाँ करो। माँ तू भाई को क्यों डुबा रही है? तने चार किताब के पढ़ ली, ज्ञान देने लग गया, तुम हो रिश्ते की हाँ करो, चलो दोनों चल। जी चौधरी साहब क्या विचार है? ठीक है रघुवीर जी, अब थोड़ा हमें ये बता दो तो छोरी देखने के लिए कब आवे? शुभ काम में देरी क्यों, इसी इतवार को आ जाओ। बाबूजी समदाने माल खा गए हो गए, पानी पी लो। ना बेटा रुक, नन्नी। हाँ माँ जी। तू इसके लिए बादाम वाला दूध लिया, मेरा बेटा घोड़ी चढ़ेगा, दूल्हा बनेगा। हाँ वो भी अनपढ़ छोरी से। तू चुप कर। अनपढ़ मालदार है वो। तमा की दिक्कत है, इस घर में मैंने तो कभी सुख देखा ना, बहू आओगी, माल लाओगी, थोड़ा बहुत सुख मजे भी मिलेगा। हाँ तुझे तो हर टाइम पैसे में सुख दिखाई देवे। मैं ना होती ना तो इस घर में कौवे रोते। हाँ तेने तो पहले से यहाँ हंस उतार रखे हैं। पिताजी तुम ये नुरा कुश्ती बंद करो, मुझे ना ब्याह करना उस अनपढ़ लड़की से। तू ही कर ली मैं उससे ब्याह, धन तो फिर भी आवा घर में। बेटा ब्याह की तो नहा करनी पड़ेगी, उससे मैं जबान दिया ही। माँ तू कुछ जबरदस्ती मेरी जिंदगी खराब करने पे तुल रही है। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, तेरा बुरा ना चाहूँ, मैं तेरे भले की कर रही हूँ, तुझे कुछ भी ना पता इस दीन दुनिया का। दीन दुनिया का जितना तुझे पता ना, हम उससे काम चला ले होंगे। क्यों जबरदस्ती मेरे गले में उस लड़की को बांध रही है? मुझे ना करना उससे ब्याह, तू ही कर ले उससे ब्याह, तू चढ़ जाए घोड़ी पे। घोड़ी पे ना अर्थी पे जरूर चढ़ूंगी, यदि तने ब्याह की हाँ ना करी तो। ये लो फिर मरने की धमकी। यो धमकी दे सके, मैं भी 30 साल से सुनने हूँ। इबकी देख लियो इसने ब्याह की हाँ ना करी तो। माँ मैं भी तेरा ही बालक हूँ, सुन ले इस बात को। मैं दान दहेज के चक्कर में आके मैं उस अनपढ़ लड़की से शादी ना कर सकता। मुझे लड़की चाहिए संस्कारी, पढ़ी लिखी, चाहे वह गरीब क्यों ना हो, डांगर क्यों ना चराती हो। ये आज बहुत जल्दी चरा लाई तू ही ना, भूख की तो ना रह गई है ये। अरे इन्हें कुछ खाने को भी दिया या नहीं? पिताजी ये खूब पेट भर के खा के आई, अब थारे ते कुछ ना मांगे, वो तो मुझे कॉलेज का कुछ काम है, मैं इस मारे इन्हें जल्दी ले आई। किताब लेके ही साथ चले जाती। पिताजी वहाँ पढ़ने को इराजू ही भतेरा, एक मिनट पढ़े फिर 10 पेड़ों पे कुदार मारे है यू। मैंने सारा याद कर रखा दीदी, कहो तो सुनाऊं भी। तू रहन दे, मुझे पता तने कितना याद किया है, तेरा ना पेपर में वो गोल वाला अंडा आएगा, फिर उबाल के खा लियो उसे। झगड़ो मत ना दोनों बहन भैया, हाथ मुंह धो लो और रोटी खा के फिर पढ़ लियो, चलो। अच्छा मैं बाजार जा रहा हूँ, बनिए के कुछ पैसे दे के आने, उन्हें दिया हूँ। ठीक है जाओ। अरे क्या नींद ना आ रही? अरे नींद कैसा आओगी यार, माँ की बात ने नींद उड़ा दी। दिखे माँ ठीक कह रही है, भाभी आवेगी, माल लावेगी, कुछ फायदा मेरा भी होगा। यू टाइम मजाक का ना यार, माँ की बात न माने हिम्मत है तेरे में, इस घर में कर सका है कोई कुछ? हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। कर दे हिम्मत। के करूं? अरे भाग जा 3-4 दिन क्या। हाँ भाग जा, तने तो कह दी, अरे माँ ने कुछ कर लिया तो। तू बावड़ा हो रहा है, जो 2-2 रुपए के गरीबों का खून चूस ले मर रही है कहीं? अरे वह हमारी माँ बेशक है, पर है तो एक औरत ही, औरत के दिमाग ना पता होता कुछ भी, संभाल ले सारे संसार को संभालने में, और मरने पावे तो बिना बात की मर जा। तू ऐसा कर 2-4 दिन के लिए बाहर निकल जा, जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा जब आ जाइए तू। हाँ मेरे माथे पे कलंक लगवा दे तू। माथे के कलंक से डर रहा है ना, तो माथे पे चावल लगवा ले, लिया ना अनपढ़ यहाँ। अरे अमीर बाप की छोरी है, पूरे घर में नकेल कर देगी और तेरे भी कर देगी। भाग जा भाग, बचा ले अपनी जान। पर जाऊं कहां? अरे रिश्तेदारी में तो जिए मत ना, मां सारी जगह पता काट लेगी। कह तो तू ठीक रहा, मैं जा रहा हूँ हरीश धोरे। हरीश कौन है? अरे वही जिसने मेरी गैल एमए करी। ठीक कह रहा तू, एक नंबर का सिस्टम रहेगा वहाँ, बढ़िया रहेगा। ठीक है फिर तू 2-4 दिन में ठंडा माल बन जाएगा, आ जाइए तू। ठीक कह रहा है। ठीक है भाई, हो तो तेरी गैल गलती रहा, ताई को ऐसा ना करना चाहिए। अरे मेरी माँ को ना दिख रहा कुछ भी, उसे तो पैसों की लगी रहा बस। डर इस बात का है कहीं वो कुछ करना ले। भाई अब जो होगा देखा जाएगा बस, मैं वहाँ तो चला तो आया पर एक गड़बड़ होगी। क्या?
अरे यार मैं तो ऐसे लेकर गया ना, खेत पे जा रहा हूँ, बाजार जाना पड़ेगा, कुछ लत्ते गुदरे लाने पड़ेंगे। अरे यूरा बाजार, पर मुझे थोड़ा सा काम है यहाँ पे। तो अपना काम निपटा, मैं बाजार होऊंगा। अकेले जाता हुआ अच्छा लगेगा क्या? अकेले में तो कोई छोरी थोड़ी हूँ, तू बैठ मैं अभी आ रहा हूँ। क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है यू? क्या हुआ? पानी तो भर ले। उतरी। अरे राजू वो गिर लिया। कौन? उठा। राजू उठा। बाजी आदमी इतनी अकल नहीं होती, पत्थर कहीं गिर दे, कोई मरो चाहे गिरो। कोई बात नहीं भाई साहब, उठो। आप उठ जाओ, उठ जाओ। मेरा कोई पास नहीं है। अरे अरे मार दिया। आराम से। आप इधर बैठिए, ये मेरा घर है, मैं अभी दवाई लेके आती हूँ। राजू ध्यान रखिए। ठीक है दीदी। बाजी आदमी में बिल्कुल अकल नहीं होती। बहुत दर्द हो रहा होगा बाबूजी। तुम डॉक्टर हो? ना डॉक्टर तो ना हूँ, पर बनने की तैयारी जरूर कर रही हूँ। मुझे लोगों की सेवा करना, पशु पक्षी की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। और पता है, मैं डॉक्टर पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करने के लिए बनना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छी बात है। या तो धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात, ये तो हमारा फर्ज था। मानी तो तू है नहीं, भगा देने छोड़ा करते। भागना तो उसे मैं सिखाऊंगी। जाएगा कहाँ, लौट के तो यहीं आएगा। बड़ा उसे दुनियादारी का पता है। माँ के तो सारे अरमानों में पानी फेर गया भाई। अरमान जो संतोष चाहती है वो करके रहती है। यो तो सारा गांव जाना है तेरे त्रिया चरित्र को। चुप रहो तुम। अरे कहाँ चला भाई बंठन के? अरे बिजनेस की सोच रहा हूँ। अच्छा जी, ऐसे लत्ते जूते पहन के परेश के बिजनेस सोचा है तू है? कहीं जाना पड़ेगा तो कपड़े तो सही पहन के जाऊंगा। तो नहीं तो पूछ रहा हूँ जा कहाँ रहा है? सोच रहा हूँ गाय पाल लूं। गाय? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं पूछ कुछ रहा हूँ, तू बता कुछ और रहा। खैर बहुत बढ़िया काम है दूध का। भाई हंसने की बात ना है, सरकार भी पूरा सपोर्ट कर रही है। भाई सरकार का तो मुझे पता नहीं के कर रही के नहीं कर रही। खैर दूध का काम भी बहुत बढ़िया काम है। मैं सोच रहा हूँ 100 गाय बांध लूं। कर लेना, समस्या की है अब तो सरकार भी खूब साथ दे रही है। समस्या उनके लेने की नहीं है, उनके देखभाल की है। हमारे गांव में ताऊ रह वे, उसे ढोरों की बहुत परख है। अच्छा, उसके पास जाऊं? चल मैं भी चल रहा हूँ, मैं यहाँ के अंडे देऊंगा। चल तो फिर। चल ताऊ। राम राम। राम राम जी। ताऊ, ताई दिखाई न दे रही, कहाँ गई है? भैया वो लकड़ी चुगने गई है। अच्छा। अरे लाली पानी लियो। लाई पिताजी। यू भाई कौन है, इसके तो चोट चाट सी भी लग रही है। ताऊ यू मेरे दोस्त है, गांव में आते ही चोट से स्वागत हुआ इसका। अरे चोट चाट तो लगती रहे, 2 गिलास हल्दी का दूध पिएगा ठीक हो जाएगा। और बताओ कैसे आना हुआ? आना क्या, 100 गाय खरीदने की सोच रहा हूँ। 100 क्या 200 खरीदो, आजकल तो गाय के दूध की बहुत मांग है भैया, और सरकार भी गाय पालने के लिए बहुत सुविधा दे रही है। तो तुम मेरे साथ हो, मैं टेंशन फ्री हो जाऊं? बिल्कुल, जब कहोगे खड़ा मिलूंगा। ठीक है। ठीक है तो ताऊ चलें। अरे कहाँ चले,
दूध दूध पी के जाइयो। इसके लिए हल्दी का दूध मंगा रहा हूँ। ताऊ दूध की क्या बात, यहाँ भी थारा ही दूध है, वहाँ भी थारा ही दूध है। तुमने बता दिया हल्दी गिर के लेना, यू मैं जरूर कर लूंगा। ठीक है भाई कर। अरे चल भाई। हाँ। कहाँ खो रहा है सुजाता? ओ सुजाता। हाँ पिताजी। टाइम हो गया, ढोरों को चराने ले जा। देखिए रात मत कर लियो, जल्दी आ जाइयो। हाँ पिताजी। जहाँ जावे वहीं बैठ जावे। अरे दूध पीना था यार, तने यार दूध नहीं पीने दे रहा यार। सुन ले, घर जाके दूध पी लियो। अरे चूते दूध पीना है यार, यार तू समझ नहीं रहा यार, प्लीज यार। अरे यार घर पिलवा दूंगा, तू समझ क्यों नहीं रहा। अरे तू चल, पागल हो रहा, दूध ही दूध बस। पता नहीं कहां गया, अब तक ना आया, पता नहीं कहां गया। क्या कर रही थी तू, एक घंटा हो गया चाय को बोले हुए। चौधरायन राम राम। चौधरायन है क्या सुधीर? सुधीर ना है, के काम है वो बता। पैसे देने की बात तो ना, ना पैसे देने की तो कोई बात ना है। इसे तू पैसे की बता, अगर तुझे पैसे चाहा तो घर से जमीन जायदाद के कागज लिया, गहने सहने लिया, अगर तुझे पैसे देने हैं तो दे जा। ना जी मैं तो मिलना आया, काफी दिन हो गए मुझे मिला नहीं, नहीं तो खेती बाड़ी में टकरा जावे था। अब वो अपनी माँ से टकरावे। देखी चाह पता नहीं कैसा होकर रहेगी। जो संतोष चाहेगी वो ही होगा। ठीक है तो कोई कसर मत छोड़ी इस घर का नाश करने में। अरे आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। आप भी क्या यहाँ गाय भैंस चराने आए हैं? मैं कोई बकरी चराने थोड़ी आया हूँ, तेरा नाम पूछने आया हूँ। गरीबों का कौन नाम पूछता है? गरीबों का नाम कुछ तो होता होगा। हाँ होते तो हैं। क्या है तुम्हारा नाम? भैया मेरी दीदी का नाम है सुजाता और मेरा नाम है राजू। अच्छा तो तुम यहीं आए करो डांगर चरान है? ना ना कभी कभी हमारे पिताजी भी आ जा। अच्छा अब आपकी चोट कैसी है? चोट तो थारा हाथ लगती ठीक होगी थी, बाकी का सर अब देख के पूरी होगी, अब तो चीज है ना चबक। हल्दी वाला दूध पिया था? अब कोई जरूरत ना हल्दी वाले दूध की। ए राजू नीचे उतर, घर चल रहे हैं। आ रहा हूँ दीदी। जल्दी आ। कल किस टाइम आओगे? यही सांझ को 4 बजे। ठीक है। ठीक है क्या? मतलब मैं यहीं मिल जाऊंगा। यहाँ क्यों? क्यों कोई तो जवाब ना है। चलें दीदी। अरे माँ सुधीर भाई कहाँ होगा और कैसा होगा? उसने संतोष से पंगा लिया है, उसे कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अरे माँ इतनी जबरदस्ती भी ठीक ना होती, पर तू समझती ना, पर तुझे तो हमसे प्यार ही ना है, इस पैसे के चक्कर में किसी दिन हमें भी ले बैठेगी। तू ज्यादा भाषण ना दे, तेरे को क्या पता पैसे की कीमत क्या होवे है। पता ना माँ को ऐसी छोरी क्यों ना दिखाई देती। अब माँ चाहे मानना है ना मानना है, पर ब्याह तो उस लड़की से करना। अरे लाली ढोरों को मैं चरा के ला रहा हूँ, तू पढ़ती रह। रुक जाओ मैं भी चल रही हूँ, 2-4 लकड़ी लाऊंगी फिर धूप हो जाओगी। चल ठीक है आ जा। तू कहाँ चला भाई? पिताजी मैं भी थारी गैल चल रहा हूँ, नहीं तो मास्टर ने मुझे बैठा कर पढ़ावेगी यहीं से। ठीक है आ जा। आप यहाँ? बैठ तो सही। किसी ने देख लिया तो? देख लेने दे, के बात होगी। आपकी चोट कैसी है? चोट? हाँ अब बिल्कुल ठीक है, पर तू आज गई ना डांगर चराने? ना आज तो पिताजी गए। एक बात कहूँ? कहो। तू मुझे बहुत अच्छी लगे,
ब्याह करेगी मेरे ते। नहीं। क्यों, के बात होगी? आप बड़े आदमी हैं और हम छोटे। प्यार में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। मेरे पिताजी मुझे जान से मार देंगे। हम ब्याह कोई भाग के थोड़ी कर रहे हैं, माँ और पिताजी की मर्जी से करेंगे। तू अपने मन की बता। मैं अपने मन की के बताऊं, वो तो कब का थारा हो गया। हरीश भाई तू कुछ भी कर, कैसे भी कर, उस लड़की के पिताजी से बात कर, मुझे उस लड़की से शादी करनी है। कह तो तू सही रहा, पर अपनी माँ को भी देख लियो, उस गरीब घर में ब्याह होने देगी? माँ तो लालची है, पर है तो माई, माँ को भी समझाओगे और पिताजी कोई दिक्कत है ही नहीं। चल ठीक है, मैं बात करूंगा। भाई कैसे भी कर इस काम को निमटवा दे। चिंता मत कर तू, बेफिक्र रहे। देखो ताऊ जी, सुधीर के घर बार और चरित्र के बारे में तो मैंने बता ही दिया है, सुजाता वहाँ बहुत खुश रहेगी। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था हमारी सुजाता का रिश्ता इतने बड़े घर में होगा। आप चौधरी साहब से बात करो, मैं सुजाता से बात करता हूँ। ठीक है जी। ए भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची का इतने बड़े घर में रिश्ता होगा। परमात्मा, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? तुझे भूला जा भला, तू तो मेरे रग रग में बसी हुई है। तुम कब तक वापिस आ जाओगे? बस बहुत जल्दी। फिर तुम मुझे अपनी गैल लेके चलोगे? हाँ, एक बार बात तो कर लूं। माँ मान जाएंगी? वाह तो बिल्कुल नहीं मान रहे, वाह तो मनानी पड़ेगी। मैं इतने दिन तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? हो ना, बात करूँ ना। और हाँ, तू अपना नंबर तो दे दे। फोन? मेरे पास तो फोन भी ना है, एक वो छोटा वाला फोन है वो भी घर पे धरा रहे। तो वो ही दे दे। अच्छा लिखो, पर यहाँ फोन मिलते ना है, मैंने तो कभी थारे धोरे भी फोन ना देखा। फोन तो मैं ले रहा हूँ, पर ये स्विच ऑफ कर रखा है, फिर घर तक फोन आएगा माँ लड़ेगी। पर मैं घर जाके ना रोज तेरे से बात करे करूंगा। मुझे हंसा के फिर रुला मत दिए। तू अब तक अपने सुधीर को नहीं समझी, जब तुझे एक बार अपना मान लिया तो मान लिया, ये दुनिया इंगे इंगे हो जियो, पर मैं तुझे ना छोड़ दूं। अरे आ गया भाई तू? आ लिया। गाड़ी वाड़ी है, चैन वैन के मामला आज? अरे तेरे जाने के बाद बड़ा सांग हुआ, मन्ने तेरे पे बहुत फोन मिलाया, तेरा लंबर ही ना लग रहा, हरीश का लंबर ना। हुआ के बात तो बता। अरे हुआ के, माने खप्पर भर दिए। अरे भैया लड़की वाले ने तो नू कह दी, हमने तो कार्ड बांट दिए, रिश्तेदारी में गांव में हर जगह पता, हम तो उल्टा रिश्ता ले में ना। अरे इंगे पापा दवा मांग। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया हुआ भाई, माँ की भी इच्छा पूरी होगी और मेरी भी जान बचगी। माँ की भी इच्छा पूरी होगी, तेरी भी जान बच गई, पर तेरी मुसीबत मेरे गले में पड़ गई। अब गले पड़गी, झेलनी तो पड़ेगी, बाकी सारे के सारे है कहाँ? और पिताजी तो गांव में गए और सास बहू दहेज का पैसा उड़ाने गई है बाजार। सारा खेल तेरे खेलने हुए आयु, अब तो झेलना ही पड़ेगा। माली माली। माँ तू आली? माँ तो आली, पर वो कहाँ है रामजादा? मुझे ना पता। तेरी टक्कर लेनी मारे बस की ना। माँ, अरे माँ, अब क्या बकस दे, अब क्या बकस दे, भाग जाइए, तेरे भागने से संतोष का कोई काम रुका है क्या? अरे माँ, तूने सारा संसार संभाल रखा, तू मुझे बकस दे बस। बकस दिया, पर मैं जहाँ कहूंगी वहाँ तुझे ब्याह करना पड़ेगा। जहाँ कहूंगी वहीं ब्याह करूंगा, काणी हो लंगड़ी हो लुल्ली हो, जहाँ कहूंगी वहीं ब्याह करूंगा। ठीक है, मोटरसाइकिल अंदर खड़ी करे, हाथ मुंह धो ले और रोटी खा ले। ठीक है। नन्नी, इसके लिए रोटी लगा दे। अरे गुड़ भी ले थोड़ा सा, बहुत दिन हो गए गुड़ देखू।
माँ, ओहो रसोई में लग रही है माँ, तो जाऊं ना जाऊं सांप के बिल में हाथ देना ही पड़ेगा। माँ? हाँ? तू रसोई में? हाँ मैं रसोई में। क्यों नन्नी कहाँ गई? उसकी भाभी की तबीयत खराब होगी, उससे देखन गई। अच्छा, और वह राहुल भाऊ सुमन? वो दोनों बाजार चले गए। माँ मैं तेरी ना ऐसी बहू लाऊंगा जो तुझे काम को भी हाथ ना लगा दे। तू लिया बेटे, राहुल की बहू से तेरी बहू 21 होनी चाहिए। तू चिंता मत करे माँ, तू बस अपना आशीर्वाद बनाओ रख, सारे काम हो जाएंगे। तू जीता रहे बेटा, बस यो घर सारे इलाके में मुझे ऊपर ले जाना है। अरे मेरी माँ, प्यारी माँ। ले भाई पी ले। ना ना यार, मेरे खानदान में तो इसको हाथ में लगा था कोई। अरे तू ये ले ले, इसमें तो खराबी ना है। ना ना, खराबी तो इसमें बहुत है। अबे यार राहुल, ज्यादा संध मत बने। अब तू वो वाला राहुल ना है, अब तू करोड़पति राहुल है, और पूरे गांव में तेरे बराबर की आसामी नहीं है कोई। ना ना यार, ऐसी कोई बात ना। अरे ले दम तो मार यार। अरे पीले यार, क्यों इतने भाव खा रहा है? ले 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 ले, पैग ले पैग। ना ना यार। अरे ले ले। अरे दोस्तों के कहने से घुटना ले सकता है यार, ले 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 यार। ये कहां दोस्तों की बात मान रहा अब, ये तो बड़ा आदमी हो गया। अरे यार ऐसी कोई बात ना, दोस्तों की बात ना मानूंगा और किसकी मानूंगा, ले ले लेता हूँ। खींच जा तो अब। हेलो। हेलो, कैसी हो सुजाता? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम बिल्कुल अच्छे ना हो। क्यों, क्या गलती होगी मेरे पे? इतने दिन हो गए, तुमने एक फोन भी ना करा। कितने दिन हो गए यार, बस दो ही दिन तो हुए हैं। तुम्हारे लिए दो दिन होंगे, पर मुझे तो यूँ लग रहा जैसे दो जन्म बीत लिए। तुम कद आओगे मुझे लेने? बस आल लग रहा हूँ, घर में थोड़ा माहौल सा बना लूं, आल लग रहा हूं बस तुझे लेने। ठीक है, तुम ना माहौल ही बना लो, तब तक मेरी जान ही निकल जाएगी। ऐसा ना कह करते हैं। ठीक है, पर तू माहौल जल्दी बना लो। तू चिंता मत ना करे, बस मैं आल लग रहा हूँ। तुम्हारे बिना अब रहा नहीं जाता। एक बार कार्ड मान ले। ले भाई 2000 हमारी तरफ से। 2000 मेरी तरफ से भाई, 1000 मेरी तरफ से, 1000 राहुल की तरफ से। ना ना, मेरी तरफ से कुछ ना। अरे जब लगा रहा तो लगान देना। अरे इसमें बुरा भी क्या है भाई, जो अगर जीत गया तो फिर 4000 मेरे बनेंगे, चिंता क्यों कर रहा। ले भाई हम तो गड्डी गए। ले भाई। भाई मैं भी गड्डी गया। मैं भी गड्डी गया भाई साहब। जीत गया भाई। दोनों के उठा ले। क्या बात है। अरे भाई तेरे तो मजाक है, अभी तो तू कह रहा मेरे पास पैसे ना है। चल खेलते हैं और भी। अरे भाई जल्दी आ, मेरी तो 500 की है। सो करो भाई, चलो भाई आ जाओ। ले भाई मेरी 1000 की है, 1000 मेरे जमा। भाई मेरे पे तो पैसा है ना भाई, मेरे तू लगा दे। 1000 इसके, 500 अंदर, 500 मेरे। देख लो भैया, जोन से मैं दम हो ना आ जाओ। ले भैया तू ले ही जा। चलो भाई बांटो। बांटो दोबारा। अरे मेरे पे तो पैसे भी ना है भाई। पैसे का जुगाड़ कर ले। पैसे का जुगाड़ करूं यार? या तो अजीब जबरदस्ती है, मैं आता हूँ कुछ पैसों का जुगाड़। हाँ तो कर, पैसे का जुगाड़ तो करना पड़ेगा, ऐसा कैसे चलेगी भाई। आज ही आज इसने डांट लो।
करो इसका काम। हैं? सुजाता का फोन? हेलो। हाँ हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तू सुना? मैं वैसी हूँ जिस हाल में तुम मुझे छोड़ गए थे। भाई तू ऐसी दुख भरी बात मत करे कर। तुम कब आओगे मुझे लेने? घर में माहौल बना कि ना? अरे माहौल तो मैंने पूरा बना लिया, बस खेत का थोड़ा सा काम सा रह रहा है। यूं नहीं मट जा, बस आ रहा हूँ तुझे लेने। पता नहीं वो दिन कद आओगा जब तुम मुझे लेने आओगे। वो दिन बस आ लिया, तू चिंता मत ना करे, तू अपनी पूरी तैयार रख, मैं किसी दिन भी आ सकूं तुझे लेने। चल देखूंगी। चल मैं बाद में बात करता हूँ तेरे से। हेलो हेलो, फोन भी कट गया। के बात होगी, कैसे परेशान सा हो रहा? परेशान सा क्यों, वो अंकित का फोन आया कि मामी अस्पताल में है, नु कह रहा वो कुछ पैसे की जरूरत है। कुछ पैसे पड़े हो तो दियाऊंगा उसे। अच्छा पैसे देना चाह रहा है, एक काम कर, 5,000 रुपए पड़े ले दे दिए, ठीक है ना? अरे चलो लगाओ बाजी। ले आया भाई पैसे। अरे हमारा पैसे की कौन सी कमी है, चलो भाई। तो आजा। चल अब